आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में पंडित कमलकिशोर नागर महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ बुधवार को कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ हुआ। खेड़ापति बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ शुरू हुई, जिसमें श्रद्धालु भागवत ग्रंथ सिर पर रखकर चल रहे थे। इनके पीछे महिलाएं तथा पुरुष नाचते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में जयकारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए नंदग्राम पर पहुंची इस दौरान पूरा पांडाल जयकारों से गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर भागवत कथा के प्रथम दिन प्रवचन में पंडित नागर ने कहा कि नारी का सौंदर्य आभूषण से नहीं उसकी भारम देखना, इसी तरह जिस पुरुष में दम हो वह दर्शनीय हो जाता है। अंत में उन्होंने भजन मेरी प्रीत न छूटे रे मुरली वाला से कोई रोक सके तो रोक के बताए सुनाया तो समूचा पांडाल भक्तिरस से सरोबार हो उठा। खबर आपकी राजस्थान से सौरभ जैन की रिपोर्ट।